नमस्कार, सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा। शुरुआत करते हैं दिनभर की बड़ी और अहम खबरों से। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को रिकॉर्ड तोड़ 1,15,000 मामले सामने आए, बाद में स्थिति और गंभीर हो गई। अब कई राज्य सख्त कदम उठा रहे हैं ताकि संक्रमण पर काबू पाया जा सके। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना की संक्रमण दर में बड़ा उछाल देखने को मिला है। पिछले दिन 6% से ज़्यादा संक्रमण दर सामने आई है, जो कि इस साल में पहली बार है। इसके अलावा एक दिन में 20 लोगों की संक्रमण के चलते मौत भी दर्ज की गई है। सरकारी प्राइवेट ऑफिस में भी लगेगी कोरोना वैक्सीन, 100 कर्मचारियों का होना रहेगा जरूरी। देश में कोरोना वायरस के मामले विस्फोटक वृद्धि के बीच टीकाकरण को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। रेडीमेड गारमेंट को लगेंगे पंख, फैक्ट्री स्थापित करने के लिए उद्यमियों को मिलेगी सब्सिडी। गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट का हब बनाने के लिए 170 उद्यमियों ने रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री लगाने में दिखाई रुचि। मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर को पूर्वांचल वस्त्र उद्योग का केंद्र बनाने की कवायद तेज। सरकार की ओर से उद्यमियों का स्थान आवंटित किए जाने के साथ ही अब फैक्ट्री लगाने के लिए 30% सब्सिडी भी दी जाने की योजना। सूरत शहर में जिले के बुधवार को फिर बड़ी संख्या में कोरोना मरीज के मामले आए सामने। सूरत और ग्रामीण से में मिलाकर 819 दर्ज हुए मामले। राज्य सरकार ने परिस्थिति को देखते हुए कर्फ्यू समय रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रखा। वही खबर सूरत से है। सूरत की कपड़ा मार्केट की अग्रणी संस्था फोस्टा बुधवार को सभी मार्केट एसोसिएशन को सूचना देते हुए बताया कि कपड़ा व्यापारी, कर्मचारी, श्रमिक, स्टाफ कोरोना वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्ण सहयोग दें। सभी कपड़ा मार्केट सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक रहेंगे चालू। एक देश एक व्यवस्था के तहत लाए गए जीएसटी के नियमों में सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा सवाल। जीएसटी सिटीजन फ्रेंडली टैक्स जिस तरह से इस देश भर में लागू किया जा रहा है, वह इसके मकसद को कर रहा है खत्म। सूरत शहर में रिंग रोड के ओवर ब्रिज की दीवार पर चढ़कर एक युवक दिन दहाड़े आत्महत्या करने की कर रहा था कोशिश। टीआरबी और ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने बचाया। कपड़ा मार्केट में कर रहा था मजदूरी, आर्थिक तंगी को लेकर कर रहा था आत्महत्या। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरों को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन में शादियों में जश्न में फिर डाली गई खलल। पिछले एक साल में हुई नुकसान से उम्मीद जागी थी। गाइडलाइन के कारण रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाए जाने से शादी विवाह आयोजन से जुड़े कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ी। आज की सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।